नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं वाणी। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। जब से बिहार पुलिस मुंबई पहुंची तो मुंबई की गलियारों में चहलकदमी मच गई। यहां तक कि सीबीआई की जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती भी अंडरग्राउंड हो गई है। मुंबई पुलिस की बर्बरता को देखने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी एक्शन में आ चुके हैं। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के बाद पूरे देश की नजर इस केस पर अटकी हुई है और पूरे लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार हत्यारे को क्यों बचाना चाहती है। मुंबई पुलिस द्वारा डेढ़ महीने के तहकीकात में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, न कोई निदान निकल पाया है। जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रहा है? वह सीबीआई जांच करवाने से क्यों डर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज पूरा भारत पूछ रहा है। गुप्तेश्वर पांडे ने भी साफ कह दिया है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बिहार पुलिस को कोई भी सहयोग नहीं मिला है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस से सुशांत सिंह की केस की फाइल फोल्डर डिलीट हो चुकी है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमने 35 साल की नौकरी की है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि केस, वो भी ताजा केस का फोल्डर डिलीट हो जाए। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन में आ चुके हैं और सीबीआई जांच की इजाजत दे दिए हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह जस्टिस, सुशांत को न्याय दो। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है उठ रहा है। जब इस केस की जांच बिहार पुलिस करने पहुंची तो मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ कैदियों जैसा बर्ताव किया। हालांकि जब कोई भी राज्य के पुलिस उस दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के पुलिस का दायित्व होता है कि उनका सहयोग करे, गाड़ी अवेलेबल कराए, रहने खाने का व्यवस्था करवाए, ये नहीं कि कैदियों जैसा व्यवहार करवाए। आखिर बिहारियों के साथ कब कुठाराघात होगा? जब बिहार के पुलिस और